नमस्कार, मैं प्रिया। जो 18 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इतने प्रतिशत सरकारी स्कूलों में नहीं है पुस्तकालय की सुविधा। बिहार में भवनों के रखरखाव की बनेगी नीति। बिहार में अगले 48 घंटों में मौसम के बिगड़ेंगे हालात। इस मामले में पड़ोसी राज्य से आगे निकला बिहार। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाना होगा अपराध। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इतने प्रतिशत सरकारी स्कूलों में नहीं है पुस्तकालय की सुविधा। बिहार के सरकारी स्कूलों की वैसे ही लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है। इसी बीच अब विद्यालयों में पुस्तकालय का अभाव भी बड़ी समस्या बताई गई है। स्कूल की मूलभूत संरचनाओं में पुस्तकालयों का अहम स्थान है। राज्य भर में अब भी 40% ऐसे स्कूल है जहां पर पुस्तकालय नहीं है। एक साल में लगभग 3% स्कूलों में पुस्तकालय की संख्या बढ़ी है। वहीं राज्य भर की बात करें, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल मिलाकर 60.61% स्कूलों में पुस्तकालय है। बाकी 40% स्कूल बिना पुस्तकालय के चल रहे हैं। यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 की माने तो राज्य भर में 58.95% सरकारी स्कूलों में ही पुस्तकालय की सुविधा है, जो कि पिछले साल से 55% सरकारी स्कूलों में ही पुस्तकालय था। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विकास कुमार की। विकास कुमार एक भारतीय अभिनेता और डायलॉग कोच है। उन्हें मुख्य रूप से YRF टीवी के खोए सिक्की में एक ईमानदार लेकिन अडिग पुलिस वालों के लिए प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और इश्किया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और उड़ान जैसी हिंदी फिल्मों में संवाद कोच के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। थिएटर गुरु बैरी जॉन के साथ 3 महीने की कार्यशाला के बाद विकास ने जॉन द्वारा निर्देशित और बाद में आमिर रजा हुसैन और विराट हुसैन द्वारा निर्देशित नाट्य प्रस्तुतियों में भाग लिया था। तब से विकास ने एक अभिनेता और एक संवाद कोच के रूप में काम किया है। बिहार के लाल आश्रम 3 में आएंगे बॉबी देओल के साथ नजर। एमएक्स प्लेयर की दमदार वेब सीरीज आश्रम आपको भी याद होगी, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बॉबी देओल की एक्टिंग की खूब वाहवाही हुई थी। साथ ही इस सीरीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली थी। लेकिन जैसा आपको पता है, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, और ऐसा ही कुछ इस वेब सीरीज के भी साथ हुआ। यही कारण है कि अब इस सीरीज का 3rd पार्ट जल्द ही आने वाला है, जिसका बेसब्री से इंतजार कम से कम वो फैंस तो जरूर कर रहे हैं जिन्होंने आश्रम देख रखी है। लेकिन इस सीरीज में इस बार बिहार के लिए भी बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस बार आश्रम के तीसरे सीरीज में बिहार के लाल कमाल करने वाले हैं। एमएक्स प्लेयर की दमदार वेब सीरीज आश्रम 3 में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बॉबी देओल के साथ इस बार बिहार के लाल अमित रंजन भी नजर आएंगे। अमित बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा गांव के रहने वाले हैं। बिहार में भवनों के रखरखाव की बनेगी नीति। बिहार में जल्द ही भवनों के रखरखाव का काम नई नीति के तहत होने वाला है। सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए सरकार अब जल्द ही नई मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने जा रही है। नए पॉलिसी में प्रावधान ये रहने वाला है कि जो भी महत्वपूर्ण सरकारी भवन है, उनका रखरखाव विभाग के इंजीनियरिंग विभाग के स्तर पर नहीं होने वाला है, बल्कि आउटसोर्स के जरिए होने वाला है। इसको लेकर विभाग ने कवायद भी तेज कर दी है। वर्तमान समय की बात करें तो सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए अमूमन सभी सरकारी विभाग अभी भवन निर्माण विभाग की मदद लेते हैं। रखरखाव के दायरे में साफ सफाई से लेकर भवनों की मामूली मरम्मत तक शामिल है। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की व्यवस्था मेगा प्रोजेक्ट में होती है। इस वजह से भवन निर्माण विभाग को साफ सफाई से कर मरम्मत तक के कार्यों के लिए निविदा निकाल आउटसोर्सिंग के जरिए काम कराना होता है। रेलवे को पुल निर्माण निगम से नक्शा मिलने का इंतजार। बिहार के दरभंगा शहर में बने 4 रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण की घोषणा की जा चुकी है, जिसके बाद ही अब रेलवे को बिहार निर्माण निगम की तरफ से नक्शा मिलने का इंतजार है, जो कि अब तक नहीं मिल पाया है। जानकारों की माने तो दरभंगा जिले को जाम से मुक्ति करवाने के लिए अब रेलवे फाटक पर आवागमन सुलभ करवाने के इरादे से ही 4 आरओबी की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए प्लान भी तैयार हो गया है, लेकिन अब इसके शुरू होने से अब भी कई पेंच फंसे हुए हैं। दरभंगा शहरी क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 4 आरओबी निर्माण की दिशा में काम शुरू करने की घोषणा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 मई को कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह में की। कहा कि 80 करोड़ की लागत से दोनार गुमटी, 36 करोड़ की लागत से पंडा सराय गुमटी, 101 करोड़ की लागत से दिल्ली मोड़ और बेला गुमटी पर आरओबी निर्माण होना है। बिहार में अगले 48 घंटों में मौसम के बिगड़ते हालात। बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। पारा 46 डिग्री के पार हो गया है। पूर्वानुमान है कि 48 घंटों के दौरान राज्य में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग 2 तरह के मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। एक तरफ जहां शुष्क मौसम के बीच प्रचंड लू का पूर्वानुमान है, वहीं उत्तर बिहार में बारिश को लेकर भी अलर्ट है। एक तरफ लोगों को लू से बचाने को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तेज हवा और आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में जहां बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है, वहीं कई जिलों में हीट वेव का भी खतरा बताया है।
यूपी बिहार के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा जोर। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यही कारण भी है कि बिहार में आसपास के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में बिहार की नीतीश सरकार लगी रहती है। इसी बीच अब जनपद की सीमा से सटे बिहार के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनसे यूपी के चंदौली सोनभद्र को बिहार से जोड़ने और पर्यटन के क्षेत्र में इनका विकास करने पर चर्चा की। साथ ही ये चर्चा हुई कि दो राज्यों के बीच में पुल निर्माण का मसला हो या फिर दूरसंचार के संसाधन का, इसे हल किया जाना चाहिए। इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। बिहार बीएड परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थियों ने भरा आवेदन। बिहार बीएड में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी, अगर आपने अब तक बीएड के लिए नामांकन नहीं भरा है तो भर सकते हैं, क्योंकि बीएड करने वालों का रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2022 के लिए पिछले 22 दिनों में रिकॉर्ड 168,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 130,555 अभ्यर्थियों ने शुल्क सहित अपना पूर्ण आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिया है। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बीएड के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ रहा है। सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की बढ़ती मांग को देखते हुए छात्र छात्राएं इस कोर्स को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला मान रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आवेदन भरने की अंतिम तारीख तो बीते दिन तक ही थी, लेकिन लेट फाइन के साथ अभी भी 21 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में उद्योग के लिए इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं। बिहार को उद्योग का हब बनाने की होड़ में बिहार की नीतीश सरकार जुटी हुई है। इसी बीच अब बिहार में किन किन उद्योगों का विस्तार होना है, इसकी चर्चा हो रही है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, मछली, गन्ना, जूट और चर्म उद्योग, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे रुपया कमाने का गुर बिहारी समाज वर्षों से जानता है। कृषि ऐसा क्षेत्र है जिससे कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। संयोग से राज्य में ऐसी फसलों और उससे जुड़े दूसरे कच्चे माल की बहुतायत है, जिनसे सूक्ष्म से लेकर लघु, मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं। इसके साथ ही कम लागत से शुरू होने वाला हस्तकरघा उद्योग रोजगार की असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। रेशमी, तसर रेशम, सूती, सजावटी कपड़े, चादर, लिनन, तौलिया, गमछा, बेडशीट, कमीज, कोट, शॉल, मफलर आदि का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। इस मामले में पड़ोसी राज्य से आगे निकला बिहार। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना का लाभ समूचे बिहारवासियों को देने का प्रयास किया जा रहा है और अब तक लगभग 99% घरों में ये काम भी हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से साझा किए गए डेटा के अनुसार राज्य में नल से जल पहुंचाने का काम 92% ही दर्शाया गया है, जिसके बाद से अब राज्य के लाभुकों को आधार से जोड़ने का निर्देश एक बार फिर संबंधित विभाग ने अधिकारियों को सौंप दिया है, जिससे डेटा के अंतर को दूर किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाली है वो ये कि नल का जल पहुंचाने के मामले में बिहार ने बाजी मारी है, जिसके तहत ही बिहार उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आगे है। जल जीवन मिशन डैश बोर्ड के मुताबिक पांडिचेरी, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और हिमाचल बिहार से आगे है। मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस पार्क को ये नाम अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी जी के सम्मान में दिया गया है। ये मूल रूप से एक चिल्ड्रन पार्क है जहां बच्चों के घूमने और खेलने के लिए बहुत सी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन हरे भरे पेड़, मखमली घास, झाड़ियों और शांत वातावरण के कारण ये व्यस्कों, बच्चों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ये पार्क मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्षेत्र में स्थित है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मंगल पांडे का आया गोलमाल जवाब। भाजपा ने कई मौकों पर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। इसी को लेकर अब जदयू से जुबानी जंग भी चालू हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भाजपा ने भी अब गोलमटोल बोलना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बयान देते हुए कहा कि बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर सरकार काम कर रही है। इस दौरान मंगल पांडे कानून पर कुछ भी कहने से बचते रहे, जिसके तहत ही उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा कि हमारा विभाग लगातार परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग परिवार नियोजन करवा रहे हैं और यही कारण भी है कि बिहार की फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को जनसंख्या नियंत्रण करवाने में मदद कर रहे हैं। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाना होगा अपराध। बिहार सरकार अब प्रदेश में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने वाली है। बता दें कि बिहार सरकार अब कोचिंग संस्थानों के लिए हर हाल में निबंधन कराना चाहती है। बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि तय मानक के अनुरूप सुविधाएं देनी होगी। इतना ही नहीं, कोचिंग संस्थानों को यह बताना होगा कि आपके पास कितने तरह के कोर्स चल रहे हैं और उसमें शिक्षकों की क्या स्थिति है, मतलब कि वो शिक्षक योग्य है या नहीं है। साथ ही आपको उस कोचिंग संस्थान की आधारभूत संरचना के बारे में भी बताना होगा। साथ ही कोचिंग संस्थान को निबंधन के समय संचालित कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी।
मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार सरकार अब प्रदेश में कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण करने को लेकर तैयार हो गई है। बिहार सरकार ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2010 लागू किए हैं। अनाज फोन से रहे सावधान, वरना खाता हो सकता है खाली। यदि आपको किसी अनजान नंबर से फोन आए तो उससे सावधान रहे, वरना जरा सी चूक होने पर आपका खाता खाली हो सकता है। दरअसल साइबर अपराधी ठगी के लिए अब नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इन दिनों ठगों द्वारा मोबाइल पर बिजली काट देने, केवाईसी करने, आधार लिंक से जोड़ने, ऑनलाइन लोन दिलाने आदि का मैसेज भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। यही नहीं, गूगल, इंटरनेट और कस्टमर केयर पर विभाग, डॉक्टर आदि का नंबर खोजने पर मिल रहे फर्जी मोबाइल नंबरों पर फोन करने पर लोग ठगे जा रहे हैं। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। शर्त न मानने पर नीतीश जी का साथ छोड़ने के मांझी ने दिए संकेत। बिहार में जल्द ही राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर बिहार में भी सीट को लेकर जदोजहद देखने को मिल रही है। मांझी ने भी हाल ही में सीट की मांग की थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने खुद साफ कर दिया था कि वो मांझी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं देंगे, जिसके बाद बीते दिन मांझी ने सरकार गिराने की बात तक कह दी है। राज्यसभा में सीट नहीं मिलने के बाद नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने उनसे आग्रह किया था कि राज्यसभा चुनाव में हमें भी भागीदारी दी जाए, जिस पर उन्होंने कहा था कि सभी को एडजस्ट करना है। इसके बाद भी हमने कहा था कि हमें प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे पास दूसरे विकल्प भी है। सीएम के सामने आवाज उठाने वाले बच्चों का नवोदय में होगा नामांकन, प्रति महीने मिलेंगे इतने हजार। सीएम नीतीश के सामने बिहार के शिक्षा और शराबबंदी की पोल खोलने वाले नालंदा के 11 साल के सोनू को नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलने वाला है। इतना ही नहीं, अब मैट्रिक तक प्रति महीने 2000 रुपए बच्चे के खाते में जमा करेंगे। ये जानकारी खुद पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इस बाबत सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री के समक्ष हिम्मत के साथ अपनी बात रखने वाले सोनू से उनके परिवार में जाकर मुलाकात की। नवोदय विद्यालय में नामांकन होगा, प्रति महीने 2000 रुपए उसके खाते में मैट्रिक तक सहयोग करूंगा। बता दें कि बीते 14 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह क्षेत्र हरनौत स्वर्गीय पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि पर आए थे। इस दौरान 11 साल के छात्र सोनू कुमार अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी की शिकायत की थी, जिसके बाद से ही इस बच्चे की चर्चा बिहार में तेज हो गई है। जातीय जनगणना मामले में बदले भाजपा के सुर। बिहार में जातीय जनगणना करवाने की मांग जदयू और विपक्षी दलों की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा ने जहां पहले इसे करवाने से साफ इनकार कर दिया था, वहीं अब इस मामले में भाजपा के सुर एकदम ही बदल गए हैं। माननीय राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा जातीय जनगणना के विरोध में है, लेकिन ये गलत और भ्रामक है। मैं याद कराना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा और परिषद में दो दो बार सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। अगर हम इसके विरोध में होते तो सर्वसम्मत प्रस्ताव मिल क्यों होते? भाजपा कभी भी इसके विरोध में नहीं है। नीतीश कुमार ठोक बजाकर करेंगे जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस मामले को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ही दो फाड़ में बटी है, कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसके खिलाफ। इसी बीच अब बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय जनगणना करवाए जाने को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उपयोगिता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है और सुशील मोदी ने भी कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर से करा रही है, कहीं से कोई विरोधाभास नहीं है। जहां तक सफल होने की बात है तो पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार कोई भी काम करते हैं तो पूरी तरह से ठोक बजाकर ही करते हैं। राजद के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंचे तेजस्वी, अटका राज्यसभा उम्मीदवारों का पेंच। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद कार्यालय पहुंचना था, जहां पर राजद के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अफसोस इस बैठक में खुद तेजस्वी नदारद दिखे। इधर राजद संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, अपनी बहन मीसा भारती और मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। वहीं उधर तेजस्वी की गैर मौजूदगी के कारण उम्मीदवारों का ऐलान अटक गया। हालांकि उम्मीद थी कि राजद आयोजित बैठक में नामों का ऐलान कर देगा, वहीं अब तेजस्वी के ना होने के कारण कई सवाल भी उठने लगे हैं। मॉनसून की तेज हुई रफ्तार, भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच परेशान राज्यों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। देश में इस साल मॉनसून समय से पहले ही पूरे देश में आने की प्रबल संभावना है। मॉनसून भी समय से एक हफ्ते पहले यानी कि 22 मई के बजाय 15 मई को ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया है। अभी इसकी रफ्तार सामान्य बनी हुई है। अगर मॉनसून की गति यही रही तो केरल में मॉनसून के दस्तक 27 मई तक हो सकते हैं। केरल में आमतौर पर 1 जून को मॉनसून पहुंचने का आदर्श समय माना जाता है, जिसके बाद ही देश के अन्य राज्यों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1912 में आज ही के दिन पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्म श्री
पुंडालिक रिलीज हुई थी। 1974 में आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम भी दिया गया था। पार्श्व गायक नितिन मुकेश को 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को 2008 में उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया। भारत के 12वें प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का जन्म 1933 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर एस जगन्नाथन का जन्म 1914 में हुआ। हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू का निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। व्हाट्सएप में आ रहा है कमाल का फीचर, चुपके से छोड़ सकेंगे ग्रुप। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने करोड़ों ग्लोबल यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर्स लाता रहता है। इसी कड़ी में कंपनी ने हाल ही में व्हाट्सएप ग्रुप में 512 मेंबर्स को ऐड करने वाला फीचर रोल आउट किया है। अब ग्रुप चैट से ही जुड़ा एक नया फीचर काफी चर्चे में है। इस फीचर की मदद से यूजर किसी भी ग्रुप को चुपचाप छोड़ सकेंगे और किसी भी ग्रुप मेंबर को इसके बारे में पता भी नहीं लगेगा। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप इस फीचर पर अभी काम कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में इसे बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। सुहाना खान की फिल्म का टीजर आते ही यूजर ने निकाली भड़ास। जोया अख्तर ने अपनी फिल्म द आर्चीज का टीजर बीते 14 मई को रिलीज कर दिया है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज बना हुआ था। इसकी बड़ी वजह थी कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इस फिल्म में डेब्यू करने जा रही है। उनके अलावा अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर भी इसमें है। उनकी भी यह पहली फिल्म है। फिल्म के अन्य एक्टर्स मिहिर आहूजा, युवराज मेंडा, डॉट और वेदांग रैना है। इस फिल्म का टीजर सामने आते ही एक बार फिर से नेपोटिज्म को लेकर चर्चा होने लगी और ट्विटर पर बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड करने लगा। ज्ञात हो कि द आर्चीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। यह आर्चीज कॉमिक्स के किरदारों और कहानी का भाग। चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड CESC मैसूर ने निकाली रिक्तियां। चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैसूर ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 135 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो ये एज पर अप्रेंटिसशिप रूल तय किए जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bot-srp.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से दी मात। प्लेऑफ की लड़ाई हुई रोचक। IPL 2022 के 65वें मैच में सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 रनों से हरा दिया। 194 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर में 190 रन बना पाई। MI के लिए सबसे ज्यादा 48 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। वहीं उमरान मलिक ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मुंबई की IPL 2022 में 10वीं हार है। सनराइजर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दूसरी टीम के नतीजे पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली और बैंगलोर अपना अपना आखिरी मैच हारे और हैदराबाद अपने आखिरी मैच में बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करे। मुंबई के लिए आखिरी ओवर में टिम डेविड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंद में 46 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 6 छक्के निकले। ऐसा लगा वो मैच मुंबई के पक्ष में ले जाएंगे, लेकिन वो 19वें ओवर में स्ट्राइक पर आने के चक्कर में रन आउट हो गए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, रिया रानी, सुबोध कुमार, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, प्रदीप कुमार सिंह, अशोक कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, कुलदीप, प्रकाश कुमार, विकास पटेल, राजधान कुमार, सुनील कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।